नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि हमारे देश में कावेरी इंजन बनाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों कम से कम 30 साल से ये कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन बन रहा है। अभी तक कावेरी इंजन पर कोई खास खबर निकल के नहीं आई। अब दोस्तों अगर देखा जाएगा तो ये हमारे देश की गवर्नमेंट की लापरवाही थी कि सही समय पर कावेरी इंजन को फंड मुहैया नहीं करवाया गया। लेकिन जब से देश में मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक चीज तो मैं कहूंगा, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये जरूर देखने को मिला है कि डिफेंस के सेक्टर को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला। अभी दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कावेरी का जो इंजन है वो पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गया था। भारत फ्रांस और यूके के साथ मिलकर एक नए इंजन का विकास करना चाहता था, लेकिन दोस्तों जहां पे जब कावेरी इंजन पूर्णतया डेड हो गया था तो ये सोचा गया क्यों ना कावेरी का एक ड्राई कावेरी इंजन निकाल लिया जाए, जो कि दोस्तों हमारे दूसरे हथियारों में काम आ सकता है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे दूसरे फाइटर जेट या फिर जो हमारे हल्के फाइटर जेट हैं उसमें आसानी से लग जाए। अभी बीच में एक खबर सुनने को आई थी कावेरी इंजन को लेके कि कावेरी इंजन के टेस्ट के लिए इसे रसिया भेजा गया, लेकिन दोस्तों उस बीच रसिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया और जिसकी वजह से फिर एक बार कावेरी इंजन पीछे हो गया। हालांकि दोस्तों कावेरी इंजन को लेकर लापरवाही आज से नहीं बल्कि आज के 30 साल पहले से ही की जा रही है, लेकिन दोस्तों अभी यहां पे कावेरी इंजन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है और इस गुड न्यूज को सुन के भी आप आज बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जय फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि हमारा कावेरी इंजन रसिया गया था, रसिया में युद्ध की वजह से लेट हो गया, लेकिन दोस्तों अभी कावेरी इंजन की टेस्ट की बारी आ चुकी है और इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है IL-76 में। अब ऐसे में दोस्तों इसका पूर्णतया टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों इसे भारत वापस लाया जाएगा और खासकर दोस्तों इस इंजन को हमारे UCAV ओरा में लगाया जाएगा। अब इस इंजन का जो टेस्ट होगा वो लगभग 40 से 50 फीट के एल्टीट्यूड में होगा, वहीं पर इसकी जो स्पीड है वो लगभग 1 मैक के आसपास बताई जाती है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाएगा तो कावेरी इंजन का अगर यही वेरिएंट हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोगों की काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। आप लोगों को पता होगा कि आगे हमारा जो ओरा घातक UCAV है उसमें इसे लगाकर काफी ज्यादा बचत की जा सकती है, और जो हमें अपने MCA और तेजस मार्क टू जैसे फाइटर जेट में इंजन लगाने हैं वो हम फ्रांस या UK से कोलैब करके बना लेंगे और उन फाइटर जेट में लगा देंगे। अब ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों कावेरी इंजन को लेकर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।